नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। उत्तर प्रदेश में सहकारी चीनी मिल से जुड़े गन्ना किसानों के भुगतान के लिए प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता ऋण के रूप में देने की घोषणा की है। प्रदेश की 24 सरकारी शुगर मिलों को यह धनराशि आवंटित होनी है। बुलंदशहर की भी अनूपशहर सहकारी शुगर मिल को 24 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। हालांकि पिछले साल का अभी तक जिले के किसानों का प्रत्येक शुगर मिल पर करोड़ों रुपया बकाया है। इस बारे में गौर करने वाली बात है कि बुलंदशहर के करीब 125,000 किसान गन्ने की खेती करते हैं। बुलंदशहर में 4 शुगर मिल हैं, जबकि 4 शुगर मिल जिले के बाहर की है जो बुलंदशहर के किसानों का गन्ना खरीदती हैं। सरकार ने किसानों को बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए सरकारी चीनी मिलों को कर्ज के रूप में 500 करोड़ रुपए की धनराशि दी है। इससे किसानों का बहुत ज्यादा भला होता नजर नहीं आ रहा। गौर करने वाली बात है कि 24 करोड़ रुपए की जो धनराशि जिले के अनूपशहर सहकारी शुगर मिल को स्वीकृत हुई है, उससे भले ही अनूपशहर सहकारी चीनी मिल से जुड़े जिले के एक क्षेत्र के लोगों को कुछ राहत मिल जाए। उन्होंने पूरे प्रदेश को 500 करोड़ रुपया किसानों की भुगतान करने के लिए दिया, वो भी सहकारी शुगर मिल्स को, जबकि सहकारी शुगर मिल्स पर 1150 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। अब मैं अपने जनपद बुलंदशहर की बात करना चाहता हूँ। बुलंदशहर में 8 शुगर मिल हैं, एक सहकारी शुगर मिल अनूपशहर है, वहाँ के लिए इन्होंने 24 करोड़ रुपया दिया है, जबकि वहाँ 43-44 करोड़ जो है किसानों का बकाया भुगतान है, लगभग 50% इन्होंने भेजा है। चलिए, जो भी ऊँट के मुँह में जीरा जो भी इन्होंने किया उसका भी हम स्वागत करते हैं, किसानों की कुछ तो मदद हो, मगर मुझे तो इनके वादे पर ही शक है। कई घोषणा करती है सरकार, उसका अमल नहीं होती है। मैं यही कहना चाहूँगा, झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा झूठा है तेरा वादा। और इतना कहना चाहूँगा, दिले नादान नादानी बहुत करता है। इस सरकार के लिए कहना चाह रहा हूँ, दिले नादान नादानी बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। ये सरकार ऐलान बहुत करती है, घोषणाएं बहुत करती है, उस पर अमल नहीं करती। मैं कहना चाहता हूं कि जहां आपने एक सहकारी शुगर मिल बुलंदशहर में 24 करोड़ रुपया भेजने का काम किया है, जो अन्य प्राइवेट फैक्ट्री हैं, प्राइवेट शुगर मिल्स हैं साथ, उस पर भी किसानों का लगभग 225 करोड़ रुपया बकाया है, तो उसको भी सरकार जल्दी जल्दी उसका भुगतान कराने का प्रबंध करे। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2 महीने बाद फिर शुगर मिल चलने वाली हैं, और किसान का अभी तक जो पिछला भुगतान बकाया नहीं हुआ है, किसान पर अगर कुछ सरकार का बकाया निकलता है तो किसान को जेल में डाल दिया जाता है, और किसानों का अगर निकल रहा तो उनकी कोई पूछने वाला नहीं है। एक तरफ कहती है बीजेपी सरकार कि 2022 में हम किसानों की आमदनी दूनी करेंगे, मैं तो ये कहता हूँ कि आमदनी दूनी नहीं होगी, 2022 में किसानों की आत्महत्या दूनी हो जाएंगी। इसलिए मैं सरकार से कहता हूँ कि किसानों के प्रति संवेदनशील बनकर किसानों का गन्ना भुगतान सभी शुगर मिल्स का पूरा कराने का कष्ट करें। प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों के लिए प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जिसमें हमारे जनपद में एकमात्र सहकारी चीनी मिल है अनूपशहर, उसको भी 24 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। वो संभवतः आज या कल में प्राप्त हो जाएगा, तत्काल गन्ना किसानों के खाते में भुगतान कर दिया जाएगा। अभी सर कितना पेमेंट बकाया है अनूपशहर पर? अनूपशहर पे अभी 43 करोड़ 34 लाख रुपये बकाया है, तो अभी 24 करोड़ रुपये तुरंत प्राप्त हो जाएगा, तो ये काफ़ी राहत होगी।